उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने ताकत झोंक दी है। जहां बीजेपी ने घोसी उपचुनाव के लिए दारा सिंह चौहान को टिकट दिया है, तो वहीं सपा ने सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है। बता दें कि घोसी सीट 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सपा और भाजपा दोनों के लिए काफी अहम है। इसी वजह से दोनों पार्टियां सीट को जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं घोसी के उपचुनाव में मतदान होने से पहले ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। घोसी सीट को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि घोसी में समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। घोसी का उपचुनाव समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी समीकरण नहीं बैठा रही, बल्कि बीजेपी पैसे का इंतजाम कर रही है, लोगों को डराने का इंतजाम कर रही है, लोगों पर कैसे दबाव बना करके वोट लिया जाए इसके लिए अधिकारियों को बैठा रही है। सपा मुखिया ने आगे कहा कि उन्हें घोसी की जनता पर पूरा भरोसा है। घोसी का संदेश उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश में जाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की झूठी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी नहीं की। आज भी टमाटर सस्ते नहीं है, हर चीज महंगी हो गई है, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, उसका भी सरकार के पास जवाब नहीं है। वहीं उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की जनसभा पर हमला बोलते हुए कहा कि वे जनसभा में बताया टमाटर और सब्जियां महंगी क्यों है, सरसों का तेल महंगा करके किसकी जेब भर रहे हैं, डीजल पेट्रोल महंगा करके गरीबों की जेब से पैसा निकालकर अमीरों को जेब भर रहे हैं, इसका जवाब क्या है। साथ ही बताएं कि घोसी में कितने नौजवानों को नौकरी और रोजगार इन्होंने दिया है। घोसी में समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी घोसी का उपचुनाव ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहा है। बीजेपी समीकरण नहीं बना रही है, बीजेपी अधिकारियों को बैठा रही है, पैसे का इंतजाम कर रही है, लोगों को डराने का इंतजाम कर रही है, लोगों पर कैसे दबाव बना करके वोट लिया जाए। लेकिन हमें घोसी की जनता पर पूरा भरोसा है कि घोसी का संदेश उत्तर प्रदेश नहीं देश में जाने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की सरकार जो झूठी है, जिसने किसानों की आय दोगुनी नहीं की, आज भी टमाटर सस्ते नहीं है, हर चीज महंगी हो गई है, उसका जवाब सरकार के पास नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसका भी जवाब सरकार के पास नहीं है। जनसभा नहीं, ये उपलब्धि बताएं कि टमाटर महंगे क्यों हैं, सब्जियां महंगी क्यों हैं, रिफाइंड तेल महंगा क्यों है, सरसों का तेल महंगा करके किसकी जेब भर रहे हो, डीजल पेट्रोल महंगा कर करके गरीबों की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की जेब भर रहे हो, इसका जवाब क्या है। और ये भी बता के आए कि घोसी में कितने नौजवानों को नौकरी और रोजगार इन्होंने दिया है।